हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे मेन इंफ्रा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड के बारे में, जो कि यह एक मल्टी बैगर स्टॉक है और इस कंपनी के रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, उसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। वैसे तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि यह कंपनी का कारोबार और बिजनेस जबरदस्त चल रहा है। फ्रेंड्स, कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट के फ्रंट पे एंड रेवेन्यू के फ्रंट पे जबरदस्त इजाफा कर रहा है, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट शेयर प्राइस के ऊपर भी हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के कारोबार और बिजनेस की मैं बात करूँ तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेन इंफ्रा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड इंजीनियरिंग एंड प्रोक्यूमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस में कंपनी कारोबार करती है। कंपनी के पास एक्सपीरियंस भी है एंड कैपेबिलिटीज़ भी है, जिसके चलते कंपनी पोर्ट, रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रीज एंड रोड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में कंपनी कामकाज करती हुई नजर आ रही है। इन सभी सेगमेंट के ऊपर आगे आने वाले टाइम में जबरदस्त डिमांड रहने वाली है फ्रेंड्स। और यहाँ पे अगर मैं कंपनी के मार्केट कैप की बात करूँ तो तकरीबन 8,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। आरओई की बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो तकरीबन 26.4% का आरओई देखने को मिल रहा है। और बुक वैल्यू की बात करें तो तकरीबन 32.8 पैसे का बुक वैल्यू नजर आ रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं सेल्स की बात करूँ एंड प्रॉफिट की बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ ही नजर आएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी का सेल्स आपको कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ आफ्टर टैक्स, तो जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो भी यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जबरदस्त यहाँ पे नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं प्रमोटर की होल्डिंग की बात करूँ तो प्रमोटर की होल्डिंग तकरीबन 67% के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग है। FIIs की बात करें तो तकरीबन 3.5% के आसपास की FIIs की होल्डिंग है। DIIs की बात करें तो तकरीबन 2% के आसपास की DIIs की होल्डिंग देखने को मिल रही है, यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी शानदार नजर आ रहा है। तो खबर निकल के आई है उसके ऊपर एक नजर करें तो जैसा कि फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं, NSE और BSE दोनों एक्सचेंज को यहां पे कंपनी के मैनेजमेंट की ओर से इन्फॉर्म किया गया, अपडेट दी गई है कि कंपनी का जो बोर्ड का मीटिंग था 23 जनवरी के दिन, उसका जो आउटकम निकल गया है वो फ्रेंड्स यहां पे आप लोगों के सामने है। बताया जा रहा है कि अलॉटमेंट हुआ है कन्वर्टेबल वारंट्स का, वारंट्स जारी किया गया है प्रोफेशनल बेसिस पे, तकरीबन 3,50,46,006 वारंट इशू किए गए हैं। और यहाँ पे इश्यू प्राइस की मैं बात करूँ तो तकरीबन 155 रुपये के आसपास का इश्यू प्राइस देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। और ये जो अलॉटमेंट हुआ है प्रोफेशनल बेसिस पे, उसके नाम भी यहाँ पे आप लोगों के सामने, तकरीबन 133 लोग हैं जिसको ये वारंट जारी किए गए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड्स, तो ये जो वारंट जारी किया गया है और 25% जी फ्रेंड्स, 25% पहले पे करना पड़ेगा, यानी तकरीबन 38.75 रुपये यहाँ पे उसको पहले पे करने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे जो इश्यू प्राइस है आपको डिस्काउंट में देखने को मिलेगा 155 रुपये का। यानी फ्रेंड्स, कंपनी यहाँ पे वारंट के जरिए प्रोफेशनल बेसिस पे फंड राइज कर रही है, ऐसा कह सकते हो। और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट निकल के आ रहा है उसकी अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तकरीबन 543 करोड़ के आसपास का अमाउंट निकल के आ रहा है फ्रेंड्स। और ये जो भी अलॉटमेंट हुए वो लॉकिंग पीरियड में है, जिसको भी यहाँ पे जो भी शेयर अलॉटमेंट हुए हैं, जो कि सारे नॉन प्रमोटर ही है 133 लोग, तो उसको जो भी यहाँ पे क्वांटिटी अलॉटमेंट हुई है वो सब लॉकिंग पीरियड में रहेगा, जो कि जिस तरह से आईपीओ में जिस तरह से जो बड़े इन्वेस्टर उसके जो लॉकिंग पीरियड रहता है, उसी तरह का यहाँ पे इसको भी लॉकिंग पीरियड लागू पड़ेगा। तो इस तरह की यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है, जो कि काफ़ी बड़ी अपडेट है कंपनी के लिए। कंपनी कहीं ना कहीं इस फंड का यूज़ अपने बिजनेस को ग्रो करने में कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, जो कि स्टॉक्स तकरीबन 220 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी ऑल टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की मैं बात करूँ तो 150 रुपये का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मुझे नज़र आ रहा है। ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस लेवल है नहीं, प्राइस कभी कितना भी ऊपर जा सकता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी तरह को इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी जरूर सलाह लेनी और आपको अपना भी एनालिसिस करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।